यूपी में ये लोग जाएंगे जेल, बाप दादा की प्रॉपर्टी होगी। जब गोरखपुर में सीएम योगी ने कर दिया बड़ा घोषणा, गोरखपुर में मंच से ही कर दिया लोकसभा चुनाव का शंखनाद, योगी आदित्यनाथ ने लगवा दिया नरेंद्र मोदी के नाम का नारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश में कोई भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, यदि किसी ने ऐसा किया तो वो जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगा। यही नहीं, उसके बाप दादा की प्रॉपर्टी भी सरकार जब्त कर लेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के मैदान पर विद्यार्थियों को स्मार्टफोन टैबलेट वितरित समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में तकरीबन 1500 विद्यार्थियों को टैबलेट और 3000 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किया गया। मुख्यमंत्री ने 15 विद्यार्थियों को टैबलेट और 10 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन अपने हाथों से प्रदान किया और इस अवसर पर सीएम ने 26 माध्यमिक विद्यालयों में 70.35 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अलंकार के कार्यों तथा 141 माध्यमिक विद्यालयों में 7.58 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 330 प्रीमियम क्लासेस रूम के शिलान्यास किए। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में सिर्फ स्मार्ट सिटी ही नहीं होगी, बल्कि स्मार्टफोन और स्मार्ट क्लास से जुड़कर यूपी में युवा पूरी दुनिया के सामने स्मार्ट युवा बनेंगे। मुख्यमंत्री ने मंच से ही लोकसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए सभी से एक बार फिर मोदी सरकार का नारा लगवाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में जब तीसरी बार देश की बागडोर संभालेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। बिक्की सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर पोस्ट।